कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर में रजौरी स्थित थाना मंडी इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। इससे पहले कि आतंकवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देते, जवानों ने उन्हें वहीं ढेर कर दिया। रजौरी में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ता देख आर्मी द्वारा एक लंबा ऑपरेशन चलाया गया, जिसके तहत छुपे हुए आतंकियों को ढूंढ ढूंढ के अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार अभी दोनों ओर से फायरिंग जारी है। पुलिस सेना और CRPF की संयुक्त टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। उधर राजौरी थाना मंडी रोड पर ट्रैफिक को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि थाना मंडी इलाके में आतंकियों के छिपे होने की गुप्त जानकारी मिली थी। इसी सूचना के आधार पर घेराबंदी कर सर्च अभियान शुरू किया गया था। इसी दौरान आतंकियों ने खुद को घिरा देखा तो सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। 28 दिन से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के सूरनकोट, मेंधर और राजौरी जिले के थाना मंडी में जारी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन का आज 28वां दिन है। रिपोर्ट के अनुसार 11 अक्टूबर को सूरनकोट जंगल में और 14 अक्टूबर को मेंधर जंगल में सर्च अभियान के दौरान आतंकियों के साथ 2 अलग अलग एनकाउंटर में 2 जूनियर कमीशन अधिकारियों समेत 9 सैनिक शहीद हुए थे। 24 अक्टूबर को ऑपरेशन के सिलसिले में पूछताछ के लिए जम्मू कश्मीर की कोट भलवाल जेल में बंद पाकिस्तानी आतंकी जिया मुस्तफा को मेंधर में मुठभेड़ स्थल के पास ले जाया गया था। इसी दौरान आतंकियों ने गोलीबारी की, जिसमें आतंकी जिया मुस्तफा की मौत हो गई थी। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।